नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया नरेंद्र मोदी को फोन, उसके बाद जो किसान आंदोलन में हड़कंप मचा है, पूरी वीडियो हम आपको किसान आंदोलन को भी दिखाएंगे। और आज कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज की कॉल सुनना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा की फंडिंग सामने आ चुकी है, कनाडा के खालिस्तानियों की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। और आज खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से बड़ी बात कह दी है। और आप जब आए हैं तो पूरी कॉल सुनकर ही जाइएगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को घुमाने की किस तरह से कोशिश की है। भारत ने कोरोना वैक्सीन बना ली है और कोरोना वैक्सीन की मांग के आड़ में कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से कही है बड़ी बात, क्योंकि खालिस्तानियों की एंट्री है इस आंदोलन में, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है। और हमने भी कई बार पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कनाडा का हाथ है। और आज जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को फोन किया है तो सच्चाई सामने आ चुकी है, खालिस्तानियों में हड़कंप मच चुका है कि जितने भी खालिस्तानी कनाडा से भारत आए हुए हैं उनके लिए कनाडा जाना अब कितना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि घेर कर यहीं मारे जाएंगे पूरे खालिस्तानी। बता दूं आपको, कोविड वैक्सीन को लेकर सबसे पहले बात हुई है, हम आपको पूरी कॉल सुनाएंगे और आप भी सुनिएगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से क्या बात की है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना पड़ेगा कनाडा, लेकिन कनाडा का फोन खुद नरेंद्र मोदी के पास आया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह से बातें की गई, उसके बाद चर्चा हुई है कनाडा के प्रधानमंत्री से किसान आंदोलन की, क्योंकि खालिस्तानी हैंडल कर रहे हैं इस आंदोलन को, तभी नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछा भी था। बता दूं आपको, कोविड वैक्सीन को लेकर कनाडा की तरफ से मांगी मदद पर भारत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जी हां, यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम जरूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत क्यों भेज रहे कनाडा के प्रधानमंत्री, इस पर भी बात हुई है। बता दूं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर वैक्सीन को लेकर बातचीत की, मोदी की तरफ से वैक्सीन को लेकर मदद का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर भी सहमति बनी है। विश्व का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहा है भारत। गौरतलब है कि भारत इस वक्त अपने यहाँ दो वैक्सीन के जरिए भारत का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। इसीलिए जिस तरह से सभी देशों ने नरेंद्र मोदी के पास फोन किया कि उन्हें वैक्सीन की आवश्यकता है, तो नरेंद्र मोदी ने किसी को मना नहीं किया, लेकिन भारत के अंदरूनी मामले में आया है कनाडा। भारत के आंतरिक मामले में कनाडा ने पूरी कह सकते हैं कि कोशिश की थी कि भारत जल जाए, और भारत में भी खालिस्तान देश की मांग हुई और भारत को भी खालिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन हाल ही में भारत के किसान आंदोलन में दखलंदाजी की वजह के निशाने पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फोन से करके नरेंद्र मोदी को फोन करके मदद मांगने की बात की है। और क्या नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने दंगा कराया और उन्होंने यहाँ पर खालिस्तानी आतंकियों को भेजा ताकि हमारा देश जल जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी उनको कोरोना वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हर संभव मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बात कर दी है, लेकिन बात ही नहीं, हम उसका भी बदला लेंगे जो हमारे किसान मारे गए, सैकड़ों किसान मारे जा चुके हैं इन्हीं खालिस्तानियों की वजह से। और आज रोड पर बैठे ये चंद मुट्ठी भर किसानों के भेष में खालिस्तानी भी मौजूद हैं जो देश जलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी इनकी मदद करेंगे। बता दूं, भारत के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी नजर आई थी। भारत ने न सिर्फ कनाडा के अंदरूनी मामले से दूर रहने की नसीहत दी, बल्कि ये भी जता दिया था कि कनाडाई प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद
नई दिल्ली ने कनाडा राजदूत को समन दिया था। भारत ने कहा था कि कनाडाई प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भारतीय किसानों को लेकर दिए गए बयान अस्वीकार हैं या भारत का मामले आंतरिक मामला है, इस पर कोई भी देश कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन टिप्पणी करने की बात छोड़िए, यहाँ तो कनाडा ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। भारत के आंतरिक मामले में कनाडा ने अपनी पूरी कोशिश कर दी और भारत में भी बंटवारा कराने जैसी चाल कनाडा के प्रधानमंत्री ने चली है, कनाडा के कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने चली है। लेकिन इन सभी चाल कह सकते हैं महंगी पड़ेगी कनाडा के प्रधानमंत्री को भी। हम आपको पूरी फोन कॉल सुनाएंगे और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर सबसे पहले बात हुई है उसके बाद बात हुई है भारत के आंतरिक मामले में दखल ना देने की, क्योंकि किसी भी देश की इतनी अब हिम्मत नहीं है कि वो भारत का टक्कर ले ले। क्योंकि आज कांग्रेस की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और स्पष्ट शब्दों में जब भी भारत में कोई हिंसा आगजनी या फिर आंदोलन का माहौल होता है तो सबसे पहले यही बात सामने आती है कि कोई भी देश हमारे बीच में ना आए। लेकिन कनाडा सबसे पहले आ चुका, क्योंकि पंजाब में सिख हैं, पंजाब में सरदार हैं और सरदारों की ये मांग रहती है कि उनको अलग देश दिया जाए। जैसे कठमुल्लों को पाकिस्तान दे दिया गया वैसे ही सिखों को चाहिए खालिस्तान। लेकिन खालसा को खालिस्तान नहीं बल्कि भारत में ही रहना होगा। अगर उन्हें भारत पसंद नहीं है तो देश छोड़कर बेशक जा सकते हैं, कनाडा में रहें या पाकिस्तान में रहें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन भारत के टुकड़े करने की बात शायद आज के प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यही हुआ है क्योंकि फोन कॉल में यही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तुमने जो आपत्तिजनक बयान दिया है और तुम्हारे कैबिनेट मंत्रियों ने जो बात कही है इसको भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम कैसे मनाएंगे, हम कैसे सुलझाएंगे हमें पता है। क्योंकि आंदोलन में किसान सिर्फ नाम मात्र के हैं, बाकी सब खालिस्तानी आतंकवादी हैं, सब कनाडा से आए खालिस्तानी हैं और जो फंडिंग हो रही है वो भी कनाडा से हो रही है, चीन से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। यानी कि जो भी देश में बंटवारा करना चाहते हैं, जो भी लोग चाहे भारत में बैठे हों या विदेश में बैठे हों, जो ये चाहते हैं कि भारत का खंडन हो, भारत की शक्तियाँ छीन हो जाएं, जो ये समझते हैं कि भारत में फिर से बंटवारा हो जाए, उनके लिए बेहद हैरान करने वाली खबर है। और आँख खोल को सुन ले, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कनाडा हो, भारत के अब और टुकड़े नहीं होंगे, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे भेजे वो आतंकी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होंगे। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में निराली लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई आज सबके सामने आ जाए। और कनाडा का फोन करना, कनाडा से फोन आना, अभी तक हम देखते थे कनाडा से राकेश टिकैत के पास फोन आता था, लेकिन आज कनाडा से नरेंद्र मोदी के पास फोन आया और मदद मांगने की बात हुई। यानी कि बैक फुट पर आ गया है पूरा का पूरा कनाडा, क्योंकि आज जब ये फोन कॉल सामने आया है तो हड़कंप मच गई है। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।